इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आज है आखिरी दिन। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय है भारतवंशी, अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र की करेंगी अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र में 27 देशों के भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय सम्मान करेंगी प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में सोमवार को प्रवासी भारतीय दिवस का किया उद्घाटन, कहा प्रवासी भारतीयों को दुनिया के लिए भारत का राष्ट्रदूत करार दिया। जबरन या धोखे से धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा कि यह सिर्फ एक राज्य विशेष से जुड़ा मसला नहीं है, हमारी चिंता देश भर में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है। मामले की अगली सुनवाई होगी 14 फरवरी को। गंगा विलास क्रूज आज रामनगर बंदरगाह पहुंचा, काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए निकल रहे गंगा विलास जलयान को प्रधानमंत्री 13 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। कपकपाती ठंड और शीतलहर से मिल सकती है थोड़ी राहत, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज शीतलहर में कमी का अनुमान। पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली में अधिकांश हिस्सों में छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण रेल सड़क हवाई यातायात भी हुआ प्रभावित। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में असुरक्षित भवनों को ध्वस्त करने का लिया निर्णय, जमीन धंसने की समस्या का सामना कर रहे इन शहरों को 3 क्षेत्रों में किया गया विभाजित। जोशीमठ पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को करेगा सुनवाई, कहा हर मामले को सुप्रीम कोर्ट लाने की जरूरत नहीं, जनता द्वारा चुनी गई संस्थाएं इसे देख सकती हैं। और प्रधानमंत्री इस महीने की 19 तारीख को तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित और 7000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आज लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ, ये कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। और आज दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदी दिवस की दी हार्दिक बधाई, कहा हिंदी मात्र बोलचाल की माध्यम नहीं है अपितु ये संपूर्ण भारत को जोड़ने वाली पावन भाषा सेतु है। कनाडा से आए प्रवासी भारतीय योगेश भाटिया जरूरतमंदों की सेवा के लिए अलीगढ़ में गरीब लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन का उठाया बीड़ा। और गैंगस्टर अकबर बंजारा की संपत्ति हुई जब्त, इंटरनेशनल गो तस्कर और असम में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अकबर बंजारा की संपत्ति पर मेरठ पुलिस लगातार कर रही है कार्रवाई। अलीगढ़ में मिजेल्स रुबेला उन्मूलन के तहत जनपद में विशेष टीकाकरण, पखवाड़ा के तहत 5 वर्ष आयु तक के नियमित टीकाकरण से छूटे हुए लगभग 40,000 बच्चों का किया गया टीकाकरण। भारत में जेनेरिक दवाओं को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान से देश में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं की बढ़ी मांग, चीन में भारत की जेनेरिक दवाओं की बिक्री बढ़ी। बम की खबर के बाद मास्को से गोवा आ रहे चार्टर्ड विमान देर रात गुजरात के जामनगर में कराई गई आपात लैंडिंग, जानकारी के मुताबिक विमान से सभी 236 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकाला गया सुरक्षित। भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा।